हमारे अनाज गेहूं चावल आटा और हमारी दालों में देखिए साथियों कीड़े और देखिए सुरसरियां पैदा हो जाती है। देखिए कितनी सारी सुरसरियां, ये देखिए साथियों, ये देखिए जैसे कि हम अपने अनाज को भंडार करते हैं, हम अपने अनाज के देखिए अनाजों में कैसे सुरसरियां पैदा हो जाती है, कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो साथियों हमने एक घरेलू रेमेडी तैयार की है जिससे इन सुरसरियों से आप छुटकारा पा सकोगे। साथियों लोग क्या करते हैं मार्केट से अनेक प्रकार की दवाइयाँ ले आते हैं, जैसे कि सल्फास की इसमें बट्टियाँ रख देते हैं जो काफ़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो साथियों देखिए हमने एक घरेलू रेमेडी तैयार की है, इस इनसे कैसे हम इन सुरसरियों से, इन कीड़ों से बचेंगे। तो देखिए साथियों हमने सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये मैंने सरसों का तेल लिया है। सबसे पहले हम देखिए इसके जो हमारी दालें हैं इनसे कैसे, इनको कैसे हम सेव करेंगे, कैसे बचाएंगे सुरसरी और कीड़ों से। ये तेल 1 चम्मच तेल की इसमें डाल लेंगे, देखिए ये हमने इसमें डाल लिया 1 चम्मच तेल की, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसे अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम स्टोर कर सकते हैं साथियों, देखिए लंबे समय तक इसको हम रख सकते हैं। तो इसको हम बचा सकते हैं कीड़े और सुरसुरों से बचा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है साथियों, देखिए ये 4 तरीके हैं हमारे पास, जो चारों तरीकों से हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं सुरसुरी और कीड़ों से। देखिए आटे के अंदर, देखिए ये देखिए साथियों आटे के अंदर हमारे जो ये देखिए सुरसुरियाँ, कितनी सुरसुरियाँ चलने लगी हैं। तो देखिए इनसे बचने के लिए क्या करना है, सूखी मिर्च, ये लाल सूखी मिर्च इसके अंदर रख देंगे, ऐसे लाल सूखी मिर्च है जो इसके अंदर रख देंगे और इन सुरसियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा और तरीका आटे के अंदर, देखिए साथियों हमने नमक लिया है, नमक को एक देखिए कॉटन के कपड़े में ऐसे एक पोटली बना लेंगे, ये देखिए ऐसे एक पोटली बना लेंगे और इसको या तो किसी रबड़ की सहायता से या गांठ मार लेंगे और इसको अपने आटे के अंदर दबा देंगे। ये देखिए साथियों आटे को के अंदर इसको दबा देंगे जिससे सुरसरियाँ और कीड़े नहीं पैदा होंगे। और देखिए साथियों अब चावल, चावल की बारी आई है, देखिए चावल के अंदर भी ये देखिए साथियों कीड़े और सुरसरियाँ पैदा हो जाती हैं। ये देखिए ये कैसे चली और चल रही है, ये देखिए दिखाना भाई, ये देखिए। तो देखिए चावल, चावल के लिए क्या रेमेडी तैयार है, देखिए साथियों हमने ये लिया है हल्दी। तो चावल के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे, ये देखिए ऐसे, और इसको हम बिल्कुल मिला लेंगे, देखिए ऐसे मिला लेंगे, अगर ऐसे नहीं मिलता तो ऐसे भी हम मिला सकते हैं। साथियों इसके अंदर हम तेल भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिला सकते हैं। देखिए साथियों ऐसे मिला लेंगे, ये देखिए, और इसको हम शोर कर सकते हैं। और अब देखिए साथियों गेहूं, गेहूं में सुरसुरियाँ काफ़ी ज़्यादा लग जाती हैं, तो इनसे कैसे बचें, देखिए साथियों आप देख रहे होंगे, ये देखिए माचिस, माचिस का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो देखिए साथियों माचिस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इसके अंदर साथियों सल्फर होता है, तो जिससे ये सुरसुरियाँ हैं इनको पसंद नहीं होता, ये इनकी स्मेल पसंद नहीं होती, तो ये झट से इनके पास, हमारे अनाज के पास आती भी नहीं है इसकी स्मेल से। तो देखिए साथियों इस तरह से हम इसको अपने अनाज को सेव कर सकते हैं, इन कीड़े मकोड़ों, इन सुरसरियों से, इन कीड़ों से हम बच सकते हैं। साथियों देखिए ये घरेलू उपाय हैं, कृपया आप मार्केट से किसी प्रकार की दवाइयों का प्रयोग ना करें क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है, काफ़ी हानिकारक चीज़ हो सकता है। तो साथियों आप ये घरेलू रेमेडी यूज करें, थैंक यू।